पीछे पथ भी लगी है जो दिनेश भैया की है, हर हर गंगे आ रही है, आप लोग इससे भी ज्यादा प्यार उसको दीजिए, क्योंकि आप उस फिल्म को नहीं बल्कि अपनी भाषा को प्यार दे रहे हैं। और मेरा शुभकामना है सारी फिल्मों के, जो भी भाई मेरे कर रहे हैं जिनकी रिलीज होने वाली है, मैं सबको पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे रिलीज से पहले खेसारी और अक्षरा ने दिया बड़ा बयान। तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। पावर स्टार पवन सिंह की कोई भी फिल्म या कोई भी गाना जब भी रिलीज होता है तो कोई ना कोई एक नया कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से खेसारी लाल यादव का जो फिल्म फरिश्ता था वो रिलीज हो चुका है और खेसारी लाल यादव अपने इस फिल्म फरिश्ते को प्रमोट करने के लिए फिर से पावर स्टार पवन सिंह का सहारा लेना स्टार्ट कर दिए। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म प्रमोशन के लिए क्या होता है कि पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और खेसारी लाल यादव के फिल्म फरिश्तों को फिर से थिएटर में देखने जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह का जब भी कोई फिल्म रिलीज होता है या जब भी कोई गाना रिलीज होता है तो कोई ना कोई एक नया कंट्रोवर्सी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर भी पावर स्टार पवन सिंह का ना तो गाना ना ही फिल्म कोई भी फ्लॉप नहीं कर पाता। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव का हमेशा यही काम रहता है, जब भी कोई गाना रिलीज होता है, तब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, तब भी ये खेसारी लाल यही काम करते हैं कि अपने फिल्म को या अपने गाने को हिट करने के लिए उनके जितने भी ऑडियंस हैं उनको इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी पावर स्टार पवन सिंह का कोई गाना आज तक फ्लॉप नहीं गया है, ना ही खेसारी लाल यादव फ्लॉप कर पाए। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।